जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अंतर्गत क्लाइमेट सेल के गठन एवं क्रियान्वयन संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विधान जायसवाल, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, आपदा प्रबंध प्राधिकरण के परियोजना विनिदेशक बलबीर सिंह, अदिति उमराव, यूनिसेफ लखनऊ के डॉक्टर उर्वशी चंद्रा, गौतम गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जलवायु परिवर्तन पर कलाकारों ने लाइव चित्रकारी भी की। इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज की मुख्य ज्वलंत समस्याओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की मार झेलनी पड़ रही है, साथ ही भारी जानमार की क्षति होती है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आजीविका, कृषि, वनस्पति, वानिकी, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों पर, पशु स्वास्थ्य जैसे अन्य क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होने, विषाणुओं व जीवाणुओं, विशेषकर मच्छरों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण लोगों को फ्लू, वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस जैसे अन्य स्वास्थ्य विकारों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर जनपद अति संवेदनशील है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रविंद्र प्रताप शाही ने कहा कि हम सभी को मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता है। जब समाज जागेगा तभी ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चित्रकारी करते हुए एक चित्रकार ने बताया। हमारे बीच जो अतिथि आए हैं उनका आप स्वागत कर आज की कार्यशाला और इसके संबंध में आज इस क्लाइमेट हमारे मुख्य अतिथि में आपका स्वागत करता हूं। मैडम डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जी हैं जो POD RR यूनिसेफ के सहयोग से हो रहा है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक तरह से एक्टिवेशन आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज में पड़ते हैं, बचाव कार्य कराना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, अनुदान देना पड़ता है, जो पूरा बर्डन है मशीनरी है वो काफ़ी उसमें ऊर्जा समय धन का व्यय होता है। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कम इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि हम डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, जो हमारे क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट हमारे जीवनचर्या पे, हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे मौसम पे पड़ रहा है, उसको हम लोग कम कर सकें। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है जिससे हम लोग को काम करना होगा। सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, तमाम डिक्लेरेशंस और मीटिंग्स विभिन्न जगहों पे हुई हैं, बट कितनी जागरूकता इस डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी जागरूकता हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारी जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनको हम लोग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, एक सेल बना सकते हैं जहां पे इन सब सूचनाओं का कलेक्शन हो, उनका संप्रेषण हो और उन पर कार्य किया जा सके, उस पर कुछ रिसर्च कर सकें। गोरखपुर के जो हमारे जनता है, लोग हैं, अभी भी काफ़ी इलिटरेट हैं या फिर उनको इतनी क्लाइमेट चेंज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको हम लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए एक मशीनरी की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट फंक्शन की आवश्यकता है, उसको हम लोग नीचे तक लोगों तक ले जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैम का मैं स्वागत करता हूं। मैं जुड़े
तो पहले तो DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनिसेफ के लिए थोड़ा सा एक नया एरिया है जिसमें यूनिसेफ अब धीरे धीरे घुस रहा है। कारण यह है कि हम लोग ज्यादातर, आपको यूनिसेफ का काम तो पता ही है कि हम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में बहुत काम करते हैं, खासतौर से हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश, चाइल्ड प्रोटेक्शन और एजुकेशन पे। और अब ये दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, ऐसे कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है कि आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, इसकी मैग्नीट्यूड, इसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बहुत बढ़ रहा है। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पहले भी होता था और अब भी हो रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत तेजी से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कभी ड्राउट आ रहा है, कभी फ्लड हो रहा है, वो कोई तरह का पैटर्न नहीं रहा है। किसी भी तरह की आपदा किसी समय आ रही है तो उससे जो डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है वो एक तरह से पीछे चली जाती है। जो हम लोग का प्रोग्रेस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो हम लोग पीछे हो जाता है जब भी कोई डिजास्टर आती है। तो इसलिए हमें यूनिसेफ में ये बहुत लगता है कि DRR एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉस सेक्टोरल कंपोनेंट है जिसको हर डिवेलपमेंट प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना होगा, ताकि जब भी कोई डिजास्टर आई उसकी इफेक्ट मिनिमल हो, उसका इफेक्ट कम हो। इफेक्ट तो ज़रूर होगा लेकिन मिनिमल इफेक्ट हो। और हम क्योंकि यूनिसेफ है तो हम ज़्यादातर, हमें तो हम बच्चे और महिलाओं के साथ ही काम करते हैं, और ये अगेन ग्लोबल एविडेंस है। और आजकल ग्लोबल एविडेंस रिसर्च किया गया है कि जब भी आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे, महिलाएं, ओल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, इन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमारा फोकस एज फार एज DRR एंड यूनिसेफ इज कंसर्न, हमारा फोकस ज्यादातर महिलाओं और बच्चों पे है। पार्टिसिपेटिव, आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी आप उसके बारे में सोच विचार, चाहे वो कितनी छोटी सी छोटी सोच हो, मैं छोटी लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई छोटा सा ही, जैसे आपने देखा एक प्लांट एलोवेरा लगा हुआ है, हर आदमी अपने घर में रह सकता है, छोटी सी वो छोटी, एक अगर एक पौध भी रखने लगे, लोग कहते हैं कि अगर तीन पौधा लगा लिए तो एक मीडियम साइज के घर में ऑक्सीजन और या जो करेक्ट ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो अचीव किया जा सकता है। बहुत पॉट में कितना देखिए कितना छोटा लगा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जागरूकता लानी है, अवेयरनेस लाना है अपने कम्युनिटीज में, एंड कम्युनिटी इज ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो हम आपके जरिए, मीडिया पर्सनल में यहाँ बैठे हैं उनके जरिए यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट द कम्युनिटी टेक द फर्स्ट स्टेप। एंड एज आई सेड दैट गोरखपुर अग्रणी रहा है इसमें, बहुत सराहनीय है, और इस लीड को हम बरकरार रखना चाहेंगे गोरखपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश अपने देश के अंदर कम से कम वो कदम उठा सकेंगे। एवरीबडी इन द राइट डायरेक्शन एंड बाई टेकिंग राइट स्टेप्स। मैं यह जल पे बना रहा हूँ कि आज पानी अगर कल समाप्त हो जाती है तो कल को जीवन भी समाप्त हो जाती है। वाटर सेफ बना रहा हूँ जी, सेफ वाटर, क्योंकि भविष्य में पानी के कारण इतना सूखा हो जाएगा कि पूरी धरती साफ हो जाएगी, और उसके साथ साथ हम लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाएंगे।